अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरिफ मलिक ने आज भिलवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार एवं विकास अधिकारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित समस्त फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एन मदान, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, जिला परिषद सीओ गोपाल राम बिरदा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रंजन नंदा, सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान एवं हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ सहित अधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर अर्श मलिक ने इससे पूर्व पंचायत समिति मांडल एवं गुलापरा में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक ली। बैठक के बाद कौशल एवं रोजगार सप्ताह रथ को भी डॉक्टर अर्श मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो कुछ हमारी पंचायत समितियां हैं, फॉर इंस्टेंस हुडा हो गया, मांडल हो गया, यहाँ पे मेरे जनप्रतिनिधियों के साथ और हमारे ब्लॉक लेवल अधिकारी और यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और सब वीसी के माध्यम से सारे एसडीओ और बीडीओ के साथ हमारा इंट्रैक्शन था। इसमें कोविड के संदर्भ में जो प्रिपेयर्डनेस है और किस तरह से हमें और जैसे कहते हैं कि जन जागरूकता अभियान चलाने हैं या कई चालान नॉट ओनली पुलिस के द्वारा परंतु मजिस्ट्रेट्स और जो हमारे वर्क प्लेस इंचार्जेस हैं उनके द्वारा भी किए जाने हैं, इस हेतु इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। साथ ही यह बहुत संतोषजनक है कि यहाँ पे टेस्टिंग अच्छी हो रही है, टेस्टिंग भी अच्छी है और साथ ही उसकी जो रिपोर्ट्स है वो भी टाइमली दी जा रही है। तो भिलवाड़ा ना सिर्फ भिलवाड़ा में की सैंपल के टेस्ट कर रहा है परंतु इवन अजमेर, चित्तौड़, यहाँ के सैंपल्स के टेस्टिंग भी की जा रही है। लाखों परिवारों को टच किया गया है बार बार, मतलब सेम परिवार के भी कई बार दो तीन बार सर्वे हुए हैं, तो उसको किस तरह से हम और बेटर कर सकें, एक्टिव सर्वेलेंस टीम्स को कैसे बेटर कर सकें, पल्स ऑक्सीमीटर उनको दिए जाएँ ताकि यदि कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो उसका जो SpO2 है उसको हम रिव्यू करें, ये सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं। और उसके लिए यही कहा गया है कि जो हमें बेटर सैम्पलिंग, बेटर सर्वे, टाइमली टेस्टिंग, इस हेतु डायरेक्शंस दिए हैं। साथ ही सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, फॉर इंस्टेंस अभी गरीब कल्याण योजना है या महात्मा गांधी नरेगा है, इसमें क्या कार्य करने हैं उसके लिए कहा गया है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में ये एक समस्या रहती है बबूल की, जंगली बबूल और सड़क किनारे पटरी नहीं होने की, तो इन कार्यों को हम नरेगा में ले लें। नरेगा में कैटल शेड्स जो है, पशु आश्रय स्थल, ये Category 4 का काम है जो SC ST BPL के लिए होना है, इस हेतु निर्देशित किया गया है क्योंकि एक फेल्ट नीड है ग्रामवासियों की। साथ ही कोई भी पेंडिंग हमारे राजकीय अलॉटमेंट्स हैं वो टाइमली हो जाएं, इस हेतु कहा गया है। और एक विशेष अभियान हम 1 तारीख से लगाएंगे पूरे संभाग के अंदर, उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी जो योग्य व्यक्ति है वो पेंशन का अगर योग्यता रखता है, या फॉर इंस्टेंस पालनहार योजना है जिसमें कई कैटेगरी हैं, विधवा का कोई पुत्र है या पुत्र पुत्री है या फिर अनाथ कोई बालक बालिका है, उनको पालनहार में 1000 रुपये तक प्रति माह मिलते हैं पेंशन में, ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफिकेशन करने का एक सघन अभियान चलाएंगे और अगले जो हमारा 1 माह है उसमें हमारा प्रयास रहेगा सारे ऐसे बच्चों को हम कवर कर सकें।